हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं खोए की बर्फ़ी, क्योंकि आज फास्ट है, नवदुर्गा का जो है पहला दिन है। तो हस्बैंड जी को रात खोआ लेकर के आए थे, तो मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो थोड़ा सा वैसा हो गया था, तो इसको कर रही हूँ, हाथों से सही कर रही हूँ। वैसे तो मिक्सी में डाल के अच्छे से हो जाता है, लेकिन ना मैंने हाथों से ही कर लिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो मैंने सोचा लास्ट की खोए की बर्फ़ी बना, तो सब लोग खा लेंगे व्रत में। वैसे तो मैं बाज़ार की मंगा लेती, लेकिन मन कराया कि ला थोड़ा सा घर का ही कुछ बना लें, तो इस बस वही यही बनाया थोड़ा सा मैंने। तो ये खोए को मैंने निकाल के सही कर लिया है। उसके बाद एक कटोरी चीनी ली है मैंने, और इसमें क्या कहते हैं, मिक्सी में डाल के इसको चीनी को पीस लिया है अच्छे से, काफ़ी बारीक से पीस लिया है। वैसे तो बूरा डालो, लेकिन बूरे से वाली बात नहीं आती है जो चीनी में आती, तो बस थोड़ी सी मिक्सी में चीनी पीस ली है, और ये पीसी हुई चीनी हो गई हमारी। तो इसमें डाल लूँगी खोए की बर्फ़ी में जो बनाऊँगी मैं, मतलब जो मावा है उसमें, तो उस पर डाल करके इसको अच्छे से बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग प्लीज़ ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। और ये है सूखे दूध का जो पाउडर होता है ना, सूखा पाउडर दूध वाला, तो ये मैंने अमूल का मंगाया था, रखा हुआ था घर में, काफ़ी दिन पहले से मंगाया था। एक आध बार कुछ हल्की फुल्की चीज़ बनाई थी, तो उसमें ही डाला था मैंने, तो आज इसमें इसका यूज हो गया। इसको डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है बर्फ़ी का, बिल्कुल ही बाज़ार जैसी हो जाती है, लगता है कि जैसे बाज़ार से ही मंगा के खा रहे हो। तो अमूल का है ये। तो उसके बाद ये फिर मैंने इसमें चीनी डाली, करीब एक कटोरी खोवा था, मावा था मतलब, तो उसी हिसाब से फिर मैंने चीनी सारी नहीं डाली, चीनी अपने स्वाद के हिसाब से ही डाली है, क्योंकि पीस के मैंने रख ली थी, कभी कोई चीज़ बनाओ तो उसमें फिर यूज हो जाती है, बार बार कहाँ पीसते रहो। तो बता, इसमें थोड़ी सी मैंने इलायची डाली है खुशबू के लिए, तो इसमें ये इलायची डाल के और फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी सारे सामान को जो मैंने मावे में क्या कहते हैं दूध, सूखे दूध का जो पाउडर डाला वो, और ये पीसी हुई चीनी और ये इलायची, तो इसे अच्छे से हाथों से खूब अच्छे से मिला लूँगी, खूब अच्छे बिल्कुल आपस में आप एकदम से मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी, तो इससे अच्छी बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि सब चीज़ आपस में बराबर बराबर मिली हो तो चीज़ अच्छी बन जाती है। तो फिर यही बना रही हूँ मैं आज, सोचा व्रत खोलूँगी तो शाम को इसी से ही। तो पहले देवी मैया को भोग लगाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने बर्फी खाई, काफ़ी अच्छी बनी थी। उसके बाद को जो है थोड़ा सा जो है देसी घी में डाल के मैंने इसको सही कराया, क्योंकि कच्चा खोआ था, वैसा वाला खोआ नहीं था, तो हल्का सा इसको मैंने थोड़ा थोड़ा ब्राउन किया है, ब्राउन नहीं मतलब जैसे खोए की बर्फी का रंग होता है, आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल जस्ट वैसे ही किया है। इसका कच्चापन हल्का सा निकल जाएगा खोआ का, इसलिए मैंने इसको डाल के इसमें कर लिया था, क्या कहते हैं, धीमी आँच पे ही किया था बिल्कुल, तो ये काफ़ी ढीला हो गया। उसके बाद ये अपने आप से ही कढ़ाई छोड़ देगा, थोड़ी देर और इसको चलाऊंगी मैं अभी, बिल्कुल खोआ तो वैसे भी हाल कढ़ाई में जाते ही गर्म होते गए ढीला हो जाता है, उसमें वैसे भी चीनी मिली हुई है, तो ये देखिए उस कढ़ाई भी छोड़ दी उसने खोए ने, तो इसे डाल के अब प्लेट में घी लगा करके और इसको बर्फ़ी की तरह थोड़ी सी कर लूँगी। तो प्लेट में लगा ली मैंने ये घी के थोड़ी सी, जो कहेंगे नहीं नीचे, क्योंकि अगर रूखी ही डालती हूँ ऐसी डालती हूँ तो नीचे चिपक जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा इसमें घी भी लगा लिया। कोई नई डिश नहीं है, सब लोग बनाना जानते हैं, अपने घर में फास्ट चल रहे हैं तो लोग बनाते ही रहते हैं, तो सोचा मैं भी बना रही कुछ तो शेयर कर लूँ। वैसे तो मेरा ये चैनल नहीं है, मतलब खाने पीने का चैनल नहीं है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा बनाया था, तो सोचा आप लोग शायद भी शेयर कर लूँ कि बस बन गई हमारी बर्फ़ी। इसको जमाने रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा इसमें बादाम का जो मैंने थोड़ा सा पीसा हुआ था तो वो डाला है इसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि ना स्वाद आया था। वैसे तो खोए की बर्फ़ी ऐसे ही खा लो तो ऐसे ही अच्छी लगती है, बिल्कुल उसमें बाज़ार से टेस्ट आता है, क्योंकि दूध का जो पाउडर मिलाया था ना उनको, उस हिसाब से दूध को बाज़ार से टेस्ट आ रहा था इसमें। तो थोड़ा सा इसमें जो है मैंने थोड़ी सी बादाम वगैरह कूट के रखी थी, कूट के क्या हल्की सी ऐसी मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, तो उसको इसमें डाल दूँगी, अच्छा जाएगा फ्लेवर, थोड़ा सा अच्छा जाएगा स्वाद, अच्छा जाएगा देखने में भी अच्छी हो जाएगी। तो ये बस थोड़ा सा इसमें पाउडर डाल दिया है, और पाउडर डालने के बाद इसको मैं इसमें थोड़े से जो बादाम मैंने काट के रखे थे उसको लगा दूँगी, इसमें जमा दूँगी, उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी। करीब एक घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, तो ये काफ़ी अच्छे से जम गया था उसमें, तो ये बादाम भी इसमें लगा दिया, और बादाम भी काफ़ी अच्छे से उसमें एडजस्ट हो गए थे।
तो बस यही बनाया है खोए के बर्फ़ी। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सच में। अपने हाथों से बनाओ तो चीज़ का स्वाद ही अलग हो जाता है। तो बस इसको रख दिया मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, एक घंटे बाद इसको निकालूंगी मैं। तो हमारे एक घंटे पूरे हो गए, उसके बाद मैंने जो है ये बर्फ़ी काटी है, काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी टेस्टी बनी है, बादाम भी अच्छे से जम गए इसमें। और बस काट लूँगी और उसको प्लेट में लगा लूँगी, खा लूँगी। तो बस छोटी सी वीडियो बनाई थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।